हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई स्टाइल में वाइट स्पॉन्ज रसगुल्ला। ये रेसिपी बहुत अच्छा रेसिपी है। इसमें हम लोग कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं दूध में। ये हम लोग फास्टिंग में भी अच्छे से खा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस हम चीनी और दूध से इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं स्पॉन्ज रसगुल्ला के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे बनेगा। ये हमने लिया है 1 लीटर दूध, इसका हम पनीर बनाएंगे। ये 240 ml के कप से 1 कप हमने चीनी लिया है चाशनी के लिए। चाशनी हमारा स्पॉन्ज रसगुल्ला का पतला होना चाहिए। और ये हमने 2-4 दिन पहले दूध से पनीर निकाला था, तो पनीर का ये पानी है। हम इसी पानी से दूध फाड़ेंगे। एकदम हम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे स्पॉन्ज रसगुल्ला। मिठाई दुकान वाले भी ज़्यादातर पनीर के पानी से ही दूध फाड़ते हैं। तो चलिए अब हम स्पॉन्ज रसगुल्ला हलवाई स्टाइल में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम दूध को बॉयल कर लेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हम दूध से पनीर फाड़ेंगे। ये हमारा दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। ये हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल, इसमें जो भाप निकल रहा है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गया है, हमारा दूध नॉर्मल ठंडा हो गया है। चलाते हुए दूध को हम थोड़ा सा एकदम ठंडा कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पनीर वाला जो पानी है वो डालेंगे। और इसे चलाते हुए डालें पनीर का पानी। हमारा पनीर थोड़ा थोड़ा फट गया है, दूध से अलग हो गया है। ऐसे ही अब इसे चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट, सारा दूध हमारा अच्छे से फट जाएगा। हमने एक दुपट्टा लिया है, इसी में हम पनीर को छानेंगे। आप चाहे तो सूती कपड़ा ले सकते हैं, आप कोई भी कपड़ा लीजिए, वो पतला होना चाहिए कि हमारा पानी पनीर से अच्छे से निकल जाए। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से छान लिया है। अब इसका पानी पहले हटा देंगे। ये देखिए हमने पनीर का पानी अच्छे से निकाल लिया है। अगर आपको फिर से दूध का फाड़ना होगा तो आप इस पानी से फाड़ सकते हैं। अब इसे हम ठंडा पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसे हाथों से अच्छे से धो लें ठंडा पानी से, क्योंकि हमारा पनीर का जो पानी था वो 3-4 दिन का था, तो उससे हमारा पनीर खट्टा लगेगा, इसलिए हम इसे अच्छे से एकदम धो लेंगे। ये देखिए हमने धो लिया है अच्छे से। अब इसका सारा पानी निकाल देते हैं और इसे फिर से थोड़ा सा पानी में डाल देते हैं कि हमारा पनीर एकदम अच्छे से धुल जाए। अब इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए जितना पानी हो सका उतना हमने निकाल लिया है इसमें से पानी। अब इस पे हम क्या करेंगे कि एक भारी चीज़ रख देंगे और आप इसे आधा से 1 घंटा तक ऐसे ही छोड़ दें कि इसमें जितना भी पानी और होगा वो सारा निकल जाएगा। तो आधा से 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आधा से 1 घंटा बाद ये देखिए हमारा पानी अच्छे से निकल गया है।
इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन अब इसे हमको नहीं सुखाना है। अभी भी पनीर में हमारा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पानी है, लेकिन अब इसे नहीं सुखाना है और इसे ऐसे ही अब मिक्स करेंगे हम, क्योंकि पनीर से एकदम पानी निकाल देंगे तो हमारा एकदम चिकना नहीं हो पाएगा, दरदरा टाइप का रह जाएगा बॉल बनाते टाइम। तो थोड़ा सा इसमें पानी रखना ज़रूरी है, अगर आपका पानी नहीं भी रहे तो थोड़ा सा आप ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं इसमें, ऐसा लगे कि पानी एकदम सूख गया है। अब इसका हमको मेन प्रोसेस क्या करना है कि इसे मिक्स करना है, और इस पोर्शन से, हथेली के इस पोर्शन से हमें ऐसे करके मिक्स करना है इसे, और इसे इतना मिक्स करना है कि हमारा बॉल जब बने तब उसमें क्रेक ना आए। अगर बॉल में आपका क्रेक आया तो हमारा स्पॉन्ज रसगुल्ला अच्छा नहीं बनेगा, टूट जाएगा चाशनी में जाते टाइम। तो इसे हाथों से 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा 10 मिनट हो गया है मिक्स करते करते, हमारा पनीर का कलर एकदम चेंज हो गया है, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। 5 से 10 मिनट तक अभी इसे और मिक्स करेंगे ऐसे ही। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गया है, इसे हम और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। देखिए एकदम चिकना लग रहा है देखने में ही। गैस पर रख देते हैं, उसके बाद बॉल बनाएंगे। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रख लिया है, अब इसमें ये चीनी डाल देंगे। अब हम इसी कटोरी से इसमें 4 या 5 कटोरी पानी डालेंगे। ये देखिए हमने 4 कटोरी पानी डाल लिया है, लेकिन और हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। और अब गैस जला लेते हैं और इसमें बॉयल आने देते हैं। इसका हमको पतला चाशनी बनाना है, ज़्यादा मोटा चाशनी इसका नहीं। चाशनी हमारा बन रहा है, तब तक से हम बॉल तैयार कर लेते हैं स्पॉन्ज रसगुल्ला का। तो पहले हम छोटा छोटा करके रख लेते हैं, उसके बाद हम इसका बॉल बनाएंगे। ये देखिए हमने छोटा छोटा इसे बॉल बना लिए हैं। ये देखिए हमने छोटा छोटा सारे को कर लिया है, अब इसका हम बॉल बनाएंगे। तो ये देखिए बॉल में कहीं से भी क्रेक नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा बिना क्रेक का बॉल बन के तैयार हो गया है स्पॉन्ज रसगुल्ला का। तो ऐसे ही हम सारे बॉल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बॉल में कहीं से भी क्रेक नहीं होना चाहिए, क्रेक रहेगा तो हमारा चाशनी में बॉल जाएगा तो टूट जाएगा। ये सारे बॉल को अच्छे से बिना क्रेक का तैयार कर लिया है, कहीं से भी कोई भी क्रेक नहीं है बॉल में। अब हम चाशनी की तरफ चलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है। ये देखिए हमारा चाशनी में अच्छे से बॉयल आ रहा है, इसे और 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही बॉयल कर लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो गया है, अब हम एक एक करके बॉल को इसमें डालेंगे। तो जहाँ पे बॉयल हो रहा है चाशनी हमारा, वहीं पे हम बॉल को डालेंगे एक एक करके। तो ये देखिए हमने सारे बॉल को अच्छे से डाल लिया है चाशनी में। तो हमारा वाइट स्पॉन्ज रसगुल्ला तैयार होने में 20 से 25 मिनट लगेगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढक के, आप इसे बीच बीच में देखते रहिएगा। 5 से 7 मिनट हो गया है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डबल हो गया है रसगुल्ला एकदम स्पॉन्ज वाला। इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर दें,
और इसे हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। और पकेगा उससे पहले हम उसका कुकिंग रोकने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने आइस लिया है और आइस में हम ठंडा पानी एकदम डालेंगे, एकदम चिल्ड। और इसी में हम एक एक करके स्पॉन्ज रसगुल्ला को निकाल के रखेंगे और उसका कुकिंग वहीं पर बंद कर देंगे। वो करने से हमारा रसगुल्ला एकदम स्पंजी रहता है और रखने के बाद भी हमारा रसगुल्ला वैसा ही बाजार जैसा स्पंजी रहेगा, थोड़ा सा भी टाइट नहीं होगा। तो इसलिए हम ये प्रोसेस करते हैं और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है स्पंज रसगुल्ला बनाने के। तो 5 से 10 मिनट हो गया, हम फिर से स्पंज रसगुल्ला को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा स्पंज रसगुल्ला कितना अच्छा से तैयार हो रहा है, कितना बड़ा बड़ा हो गया है पहले से। अब इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे, केसर ऑप्शनल है। तो ये हमारा स्पंज रसगुल्ला अच्छे से एकदम तैयार हो गया है। हमारा स्पंज रसगुल्ला अच्छे से तैयार हो गया है। अब बिना गैस बंद किए एक एक करके हम आइस वाले पानी में डालेंगे रसगुल्ला को। तो ये देखिए हमने सारे रसगुल्ला को आइस वाले पानी में डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा हम बॉयल करके इसका पानी सुखा लेंगे, क्योंकि हमको इतना पानी का काम नहीं है। तो ये देखिए हमने सारे रसगुल्ला को आइस वाले पानी में डाल लिया है। ये देखिए कितना स्पंजी रसगुल्ला हमारा तैयार हो गया है। हम पानी में से निकाल के ऐसे सारा पानी इसका निकाल देंगे, उसके बाद इसमें रखेंगे और उठाएंगे तो वैसा ही एकदम स्पंजी लगेगा देखने में। ये देखिए इसे अब ऐसे ही हम आधे घंटा के लिए छोड़ देते हैं पानी में, कि इसका जितना भी कुकिंग है वो वहीं पे रुक जाए। तो चाशनी भी हमारा काफ़ी हद तक पानी सूख गया है चाशनी का, ये देखिए। अब इसे हमको ऐसे ही रखना है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे भी ठंडा होने के बाद हम फ्रिज में रख देंगे। इसे ठंडा होने के आधा घंटा हो गया है हमारा, इसी तरीके से ठंडा हो गया है हमारा स्पंज रसगुल्ला। और हम चाशनी को भी फ्रिज में रख दिए थे तो ये भी हमारा ठंडा है। अगर हमारा स्पंज रसगुल्ला अच्छे से पक गया होगा तो हमारा नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं तैरेगा। तो चलिए अब हम एक एक रसगुल्ला को अच्छे से दबा कर इसमें का पानी निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरा अच्छे से पानी हमने निकाल लिया है। हम फिर से इसी रसगुल्ला को ऐसे डिप करेंगे पानी में। तो ये देखिए फिर से उतना ही बड़ा हमारा स्पंज रसगुल्ला तैयार हो गया। तो हम पानी अच्छे से निकाल लेते हैं इसका, एकदम अच्छे से पानी निकाल लेंगे और चाशनी में डालेंगे इसे अब एक एक करके। तो ये देखिए सारे स्पंज रसगुल्ला को अच्छे से हमने चाशनी में डाल लिया है। ये देखिए कितना स्पंजी हमारा रसगुल्ला बन के तैयार हो गया है एकदम। तो अब मेन प्रोसेस हम सर्व कर लेते हैं एक एक करके। तो ये देखिए हमने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है स्पंज रसगुल्ला को, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हमारा एकदम दुकान जैसा स्पंजी रसगुल्ला बन के तैयार है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। मैं आपको एक इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारा स्पंज रसगुल्ला अंदर से भी कितना स्पंजी है। तो ये देखिए कितना स्पंजी है अंदर से भी हमारा स्पंज रसगुल्ला, ये देखिए। तो एक बार स्पंज रसगुल्ला अपने घर जरूर बनाएं। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।